Hello dear students, how are you all? Hope you all are fine. Okay, so today we will do our work in worksheet book. Okay, so you have to take out your worksheet. Nikal li. Okay, and then you have to take out page number 9. English mein page number 9 nikalna hai. English ki jo worksheet hai, wahan pe page number 9 nikalna hai. Okay, done. Okay, see yahan pe what you have to draw? You have to draw a line बिटवीन द टू राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स के बीच में आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है. ओके मतलब मैच करना है. राइमिंग वर्ड्स मतलब जैसे कि सन, बन, रन, ओके, कैट, मैट, हैट. ओके तो ये सेम साउंड वर्ड्स है ना, सेम साउंड वर्ड्स है तो उसको हम ऐसे ही यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है उसमें मैच करेंगे. ठीक है, तो आपको भी आपकी पेंसिल हाथ में लेनी है और ये पेज नंबर 9 ओपन करना है और यहाँ पे हम मैच करेंगे. ठीक है, सो डू विथ मी, लेट अस स्टार्ट. ओके फर्स्ट इज देखो ये है ट्री. ट्री ओके, ट्री, माउस, स्टार एंड कैट. ओवर हियर यू कैन सी बी, कार, हैट, हाउस. ओके तो हम इसको अभी मैच करेंगे. देखो ट्री, तो ट्री के साथ क्या मैच होगा? बी. ट्री बी, ट्री बी, ई साउंड हुआ ना, ई लास्ट में साथ में, दोनों इस दोनों का साउंड वर्ड सेम है, ट्री और बी. ओके सो हम ट्री और बी को ऐसे मैच करेंगे. आपको भी ट्री और बी को मैच करना है. डन. ओके नाउ सी हियर, इट इज माउस. एम ओ यू एस ई, माउस लिखा है. ये क्या लिखा है? माउस. तो माउस को हम देखो पहले इसके साथ मैच करके देखते हैं. कार, माउस कार, नो. माउस हैट, नो. ये भी ठीक से साउंड वर्ड नहीं निकल रहा है. तो माउस हाउस, यस माउस हाउस, सेम साउंड वर्ड है ना, माउस हाउस. सो हम ये माउस को हाउस के साथ मैच करेंगे. ठीक है, डन. ओके नाउ सी, दिस इज अ स्टार. व्हाट इज इट? स्टार. तो स्टार को हम पहले कार के साथ देखते. स्टार कार, स्टार कार, यस इट इज अ राइमिंग वर्ड. आप सुन के देखो, स्टार कार. तो हम ये स्टार को कार के साथ मैच करेंगे. आप कर रहे हो ना मेरे साथ? ओके नाउ लास्ट इज कैट. कैट हैट, कैट हैट, कैट हैट, यस इट इज अ राइमिंग वर्ड. ओके तो हम यहाँ पे देखते हैं. चलो ट्री बी, ट्री बी, माउस हाउस, माउस हाउस, स्टार कार, स्टार कार, कैट हैट, कैट हैट. ओके तो ये राइमिंग वर्ड्स आपको आपकी वर्कशीट बुक में पेज नंबर 9 में कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.